नमस्ते दोस्तों, मैं सुमीला रावत फैमिली एंड किचन गार्डन में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर मैं अपने बगीचे में आ रखी हूँ और मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ कि मैं सिंगोनियम को आपके बारे में बताऊँगी। सिंगोनियम मेरा जो मेरा प्लांट लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर है, ये मेरा सिंगोनियम का पौधा है। ये देखिए किस तरीके से ये इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। देखिए जो इतने बड़े बड़े पत्ते वाला जो होता है ना, ये पेड़ से लिपट के और पेड़ जैसे पेड़ के नीचे आप इसको लगाओ तो ये पेड़ पे लिपटते हुए पूरा सुंदर, बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर पेड़ की तने से लिपटता हुआ और ऊपर के ऊपर चले जाता है। मैंने यहाँ पर क्रोटन के साथ इसको डाला हुआ है, ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रोटन के साथ इसको डाल रखा है यहाँ पर इसके, और ये इसी के साथ ही बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े हैं, ये देखिए। और यहाँ पर ये देखिए नीचे इसकी कटिंग, आप कटिंग भी निकाल के लगाओगे तो ये देखिए पूरे में फैला हुआ है यहाँ से, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं आपको ये वाला दिखाया कि इतने बड़े बड़े पत्ते वाला मरा ये सिंगोनियम, ये देखिए। और यही इसी के साथ ही मैं आपको दोबारा दूसरा दिखाती हूँ जिसमें बिल्कुल ही छोटे 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 पत्ते हैं, ये देखिए। ये देखिए एक मेरा ये है यहाँ पर ये सिंगोनियम, और ये भी देखिए कितना अच्छा है यहाँ पर, को मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इसकी भी जो ये कटिंग है, इसकी जो ये बड़ी सी ये जा रही है, इसकी मैं आपको कटिंग लगा के पानी में लगा के दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ से इसकी कट कर लिया ये वाला यहाँ पर, ये देखिए ये है मेरा छोटे छोटे पत्ते वाला। और इसके जो पत्ते ये सिल्वर कलर के पत्ते हैं, ये देखिए। आगे फिर आपको मैं लेके चलती हूँ, और जो मेरे सिंगोनियम के पौधे लगे हुए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये सिंगोनियम तो सबके पास ही मिलेगा ये वाला, ये देखिए सब घरों में ये सिंगोनियम पाया जाता है, ये मिलता है। ये देखिए ये भी मैंने यहाँ पर लगा के रखा हुआ है, ये भी एक तरह से ये देखिए कितना भूसी हो रखा है यहाँ पर भी, ये देखिए कितना फैला हुआ है, घना है बहुत ज़्यादा, ये देखिए। तो और मैं आगे आपको लेके चलती हूँ सिंगोनियम, मैंने ये देखिए बहुत सारे लगा के रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मेरा सिंगोनियम का पौधा मेरा लगा हुआ है, ये भी बहुत घना हो रखा है। ये देखिए ये छोटे से, ये देखिए इसमें लगा रखा है जो ये मेरा एक छोटा सा एक डब्बा है तेल का, उसमें मैंने इसको लगा के रखा हुआ और ये इतना सुंदर इसमें हो रखा। चलो फिर मैं आगे लेके चलती हूँ आपको। यहाँ पर देखिए मैंने ये भी नीचे से लगा रखा है, छोटे से एक पॉट में है ये, और ये देखिए बिल्कुल ऊपर तक चला गया, ये देखिए पेड़ के सहारे और ऊपर चला जा गया, चलता चला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे पूरे में फैल गया है ये। तो इसी के साथ मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। घर को सजाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत ही सुंदर आता है ये, और दिखता बहुत सुंदर है। आप इसको मेन गेट पर लगाओ चाहे अपने अंदर, जैसे मनी प्लांट को लगाते हैं उस तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे मनी प्लांट फैलता है दीवार पे उसी तरीके से यह फैलता है। अगर आप इसको पेड़ के सहारा देंगे तो पेड़ पे ही फैल जाता है, और दीवार का सहारा देंगे तो दीवार पे ही फैल जाता है। अगर इसको अच्छी तरह से इस तरीके से आप घना बनाना चाहते हैं, उसी में ही अपने पॉट में ही घना बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से इसके चारों तरफ से हम कटिंग करेंगे, और इस तरीके से इसकी टहनियाँ जो बाहर को निकलेंगी उनको फैलने नहीं देना, उनको आप हम कटिंग करते रहेंगे। तो इस तरीके से मेरा ये देखिए जिस तरीके से ये बन रखा है, इस तरीके से ही घना बन जाएगा। तो आप एक मेरा यहाँ पर हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ, और ये मेरा रेड रेड पत्ते वाला सिंगोनियम है, ये देखिए रेड, एक ऊपर से रेड है और नीचे से ये ग्रीन कलर का है। ये देखिए इस तरीके के पत्ते निकले हुए हैं, ये देखिए नीचे से इसका ग्रीन है ऊपर से रेड है, ये देखिए। और दिखने में देखिए कितना एकदम पूरा भरा हुआ है, पूरा ये मेरा ये जो हैंगिंग बास्केट है पूरा अच्छी तरीके से भरा हुआ है पूरा, देखिए चारों तरफ से देखिए। और ये नीचे से जो एक टहनी है इसकी ये लटक रही है, ये देखिए इसी की मैं कटिंग आपको लगा के दिखाऊंगी। यहाँ से मैं इसको कट कर लेती हूँ, ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया है, इसको कट कर लिया है, और इसको मैं यहाँ पर इस यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इसका हैंगिंग बास्केट एक और दूसरा खाली, ये देखिए इसी में मैं इसको कट करके लगाऊंगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो इसका यहाँ पे ये जो इसके नोट एरिया है, ये देखिए जहाँ से हमारी इसकी जड़ें निकली हुई हैं, यहाँ यहाँ से मैं इसकी दो तीन कटिंगें इसकी कर लूँगी यहाँ पे ऊपर से, देखिए कितनी सारी इसकी जड़ें निकली हुई हैं, ये देखिए
तो यहीं से मैं इसके कट करके और आपको दिखाती हूँ फिर मैं भी। इसकी जड़ें इस तरीके से निकली हुई हैं, ये देखिए। तो मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगी, बजाय ऐसे लगाने में मैं इसकी जड़ें जो है मैं इसको इस तरीके से कवर करूँगी। यहाँ पर मैं ऐसे करके इसको कर दिया है और इस तरीके से मैं लगाऊंगी, ऐसे लिटा के लगाऊंगी। ये देखिए इसकी जो जड़ें हैं ना बहुत सारी इस तरीके से निकली हुई हैं, तो मैंने इसको इसी तरीके से लगा दिया, जैसे जड़ें निकली हुई थी उसी तरीके से मैंने इसको इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए, और इसके ये ऊपर से निकाल के रख दिया है और इसको मैं खड़े में लगाऊंगी। ये देखिए, इसको मैं लगाऊंगी खड़े में इस तरीके से। यहाँ पे एक होल कर दूंगी, ये मैंने होल कर दिया उंगली के सारे, और इस तरीके से। तो यहीं पे मेरी ये जो दो कटिंग, मेरी एक मैंने लेट के लगाया है और दूसरा मैंने ऐसे खड़े करके लगाया है। ये देखिए, ये वाली मेरी ऐसे लेट के लगाई हुई है, ये देखिए कटिंग, ये ऐसे में चल जाएगी। और ऐसे लेट के लगाते हैं ना बहुत जल्दी फैल जाती है पूरे उसमें। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये दो कटिंग है यहाँ पे लगा दी है। ये मिट्टी में मैंने आपको लगा के दिखाया है, ये देखिए ये मैंने मिट्टी में आपको लगा के दिखाया है हैंगिंग बास्केट में, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ से मेरी बास्केट हैंगी वाली बन गई है, ये देखिए। और ये दूसरी मैंने ये बना लिया है, और मैं इसको और ये दो कटिंग पे जो है ये दोनों को अलग अलग कटिंग को मैं पानी में आपको ग्रो करके दिखाती हूँ। यहीं पर मैंने ये देखिए बोतल रखी हुई है कांच की मेरी ये वाली, और इसी बोतल में मैं ये पानी में लगा के आपको दिखाऊंगी सिंगोनियम की ये बेल को। ये देखिए यहाँ पे मैं ऐसे डाल दूंगी इसको इस तरीके से, ये देखिए। दो अलग अलग तरीके के मैंने लगाए हैं, ये देखिए। ये है मेरी सिल्वर वाला जो है सिंगोनियम, ये देखिए छोटे छोटे पत्ते वाला, ये इस तरीके का ये वाला लगाया है मैंने यहाँ पे इसको। और यहाँ पर मेरा दूसरा वाला है जो हाइब्रिड वाला है, जिसमें रेड कलर के मेरे सिंगोनियम इस तरीके का, देखिए रेड पत्ती वाला सिल्वर पत्ती वाला, मैंने दो अलग अलग तरीके के लगाए हुए हैं यहाँ पे। और देखिए दिखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, मैं ये दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये एक बड़ी सी बोतल में मैंने ये लगाया है यहाँ पर, ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये देखिए। तो इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो अब करती हूँ समाप्त। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरी वीडियो और पूरी देख। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।